ये दर्द था कमर का, पांच दो साल पहले से था। देखो ये गोंचा है, बस ये तो है लेता हूँ, खाली उनका प्रोग्राम भी देखा है मैंने। अब मैं भी ये कुछ सोच रही हूँ भाई, अपने भी थोड़ा थोड़ा ये दर्द होने लगा है तो अपन भी देखा ये दवाई खा के सोचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी। जिनसे हम यहाँ मिलने आए हैं वो 7 से 8 महीने पहले कमर के दर्द से परेशान थे, पैरों के दर्द से परेशान थे, चलना फिरना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज की तारीख में 74 साल की उम्र में एक वीडियो एक ऐसा हमारे पास आया है उनका, जिसमें वो बहुत शानदार बहुत बेहतरीन योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यही हम देखने पहुंचे हैं। जयपुर से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, फुलेरा के अंदर है आश्रिक ढाणी गांव, जहां पे उनका घर है। राजस्थान के फुलेरा कस्बे के आश्रिक ढाणी गांव में जब हमारी टीम 74 साल के हनुमान जी से मिलने पहुंची, तो जो हमने देखा उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। जो व्यक्ति 5 से 6 महीने पहले तक कमर में असहनीय दर्द के कारण ठीक से चल भी नहीं पाते थे, वो अपने शरीर के हर अंग का इस्तेमाल करके जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहे थे। हनुमान जी को देखकर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 2 साल से कमर दर्द से काफी परेशान थे। अरे वाह, दर्श को देखिए, आप देख सकते हैं 74 साल के हनुमान जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये वो एक्सरसाइज है जो जवान भी आज के टाइम में नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी थकान होने लगती है। और देखिए सर कितने फुर्तीले हैं जी। हनुमान जी किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आप डेली एक्सरसाइज करते हैं ये? अच्छा, इसके अलावा और कोई पैरों की एक्सरसाइज हो तो हमारे दर्शक वो देखना चाहेंगे, और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आप? पकड़ लेंगे दर्शक को ऐसे अपना पैर, आप देख सकते हैं 74 इनकी एज है। और इस उम्र में आके हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हमें लगता है बुढ़ापा आ गया, लेकिन मुझे तो कहीं से कहीं तक हनुमान जी के अंदर वो बुढ़ापा नज़र ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे करके और जवान हो रहे हैं। देखिए हनुमान जी को उम्र कहीं ना कहीं थम सी गई है, मैं तो यही कहूंगी, बढ़ तो नहीं रही आपकी उम्र, कम ही होती जा रही है। देखो ये तो भगवान की दया है, किसी को ऊपर वाले की कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ना सिर्फ एक बार बल्कि हमारे कहने पे कई बार ये एक्सरसाइज करके दिखाई। धन्यवाद। तो देखिए मैं किसी योगा सेंटर में यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ, ये पूरा घर मैं दिखाना चाहूंगी, हनुमान जी का घर है और घर में ही देखिए क्या एक्सरसाइज करके दिखाई है। तो चलिए अब इत्मीनान से उनको बिठा के बातचीत करते हैं। तो हनुमान जी मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपको परेशानी क्या थी? परेशानी यही थी कि बस ये दर्द था कमर का। ये दर्द कब से था? कब पहले, 2 साल पहले से था। अच्छा, तो कमर का दर्द ये उठा कैसे और कब उठा था? दर्द कितना? मैंने ये अंदाज मैंने ये लगा कोई दबके में साइकिल चलाते टाइम हो गया होगा, उससे हो गया होगा कमर का। साइकिल चलाने से ये आपको लगा? हाँ, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि भाई अपन कमर के रूट की हड्डी में दर्द हो सकता है। तो 2 साल से ये तकलीफ आपको थी कमर के दर्द की? हाँ। और हकीम साहब की दवाई आपने कब से ले रहे हैं? मेरे को 9 महीने हो गए। अच्छा, दवाई कौन कौन सी है? दवाई ये गोंचा और हल्दी प्लस। हाँ। ये 8-9 महीने हो गए मेरे को। 8-9 महीने ये लिए पहले। अच्छा, खाते कैसे थे? कड़ा था वो आता है, उसको धूप में सुखा दो, 15-20 मिनट धूप में सुखा देते, जो कड़ा हो जाता तभी इन्होंने मिक्सर में पाउडर बना देते थे, तो थोड़ा 1 ग्राम के करीब चुटकी लेते थे, उसी एक चम्मच से अपने छोटी सी मामूली से ले लिया, उसने उसने बताया पूरी बात कि ऐसे दर्द था मेरे काफी दिन से, तो मेरे ठीक हुआ। मैंने फिर वो ये आपके नंबर थे भेज दिए मैंने भी, जो मेरे पास दवाई आ गई, और कुछ नहीं मैंने उसमें कुछ लिया। ये विश्वास कैसे हुआ कि इनकी दवाई जरूर मंगवानी है? उसमें उनका वाई वाई भी आया और वात पेट भी आते हैं, उसमें विश्वास ऐसे किया कि वो उसने एक जो आपका जो मेरे से पूछ रहे हो ना वैसे। हाँ हाँ। वो उन्होंने बताया था पूरी कि ऐसे मैं दवाई मंगाई, ऐसे मेरे को ऐसे फायदा हुआ, इसी से मेरे को विश्वास हो गया। अच्छा, जब दर्द उठा आपको तो क्या आप नहीं कर पा रहे थे, और अब दवाई लेने के बाद आप क्या कर पा रहे हैं ये बताइए मुझे। देखो दर्द तो मैं आपको पहले बता दिया कि साइकिल के अलावा मैं उससे चलाता नहीं, ना मोटरसाइकिल चलाना जानता हूँ, ना कहीं जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, पैदल ही आता हूँ। ठीक है, रोजाना 3-4 किलोमीटर चलना जरूरी है मेरा। अच्छा, क्या कुछ भी हो। हनुमान जी आपके घर में कौन कौन है अभी? हाँ अभी तो हम दोनों ही हैं। अच्छा, बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे एक तो अजमेर है। हाँ। और एक जयपुर है।
ठीक है, तो आपको ये दर्द की शिकायत थी, तो बच्चों से भी आपने ये बात कही होगी, शेयर की होगी, जब वो बच्चे यहाँ आते थे बताई उन्हें ये बात? तो बड़े वाले बच्चों को बताता हूँ। तो बड़े बेटे को जब बताया तो उन्होंने क्या कहा कि जल्दी से इलाज कराओ, ये बढ़ ना जाए, या फिर क्या कहना था उनका? उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ज्यादा उनको कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो कहते हैं भाई आप डॉक्टर के पास चल चलो, मैं ले चलूँ, पर डॉक्टर से की क्या करेंगे, बात चल। हाँ, उन्हीं को कहा था। हाँ, उसने कहा था पापा मैं जयपुर से बात कर लेता हूँ। हाँ, और आपको ले चलूँगा। अरे क्या कर लीजिएगा यार, मैंने मना कर दिया उनको, मैं कुछ नहीं कहीं भी। आपको अगर घर से बाहर निकलना होता है तो आप सारे काम जो है वो पैदल चल के ही करते हैं? हाँ, बाजार तक जाते हैं तो भी पैदल चलते पैदल हैं? जाता हूं। ठीक है, और सुबह शाम वॉक करते हैं? हाँ, और सामान उठा भी लेते हैं, अगर हल्का फुल्का कोई सामान आपको उठाने को दिया जाए वो भी उठा लेते हैं? क्योंकि घर में देखिए आप दो लोग हैं तो घर के बहुत सारे काम होते हैं, सारे काम तो महिलाएं नहीं कर पाती हैं। ठीक है, मर्दों को भी बहुत सारे काम करने, पानी वानी उठाने करने का, तो वो पानी मैं रख देता हूं, आराम से उठा लेते हैं। आराम से कुछ चरा होता बड़ा, पानी उठा के रख दिया, अलग और कुछ दिया। हाँ हाँ, ज्यादा कुछ ज्यादा भारी होता तो दोनों मिलकर उठा लेते हैं। हाँ हाँ, हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो उनसे यही कहूँगा मैं, उनको आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद दूँ या उनको धन्यवाद कहूँ या और कुछ कहूँ, इसके अलावा मेरे पास क्या है। आप हमें बता सकते हैं आप कैसे खाते हैं और कैसे आपने गौनसिया का चूरन बनाया है? जी देखो ये गोंसा है। हाँ जी। और उन्होंने, मैंने उनको पूछा था और उन्होंने बता दिया। हाँ हाँ हाँ। मैं लेते ही मैंने कहा भाई कैसे लेनी है, तो उन्होंने बता दिया था आपको एक चूटी लेनी है तो बस ये जी जी। अब इसको लेकर के गुनगुने पानी से आपको खाना खाने के बाद में लेनी है, तैसा लेता हूँ बस। इतना लेते हैं आप बस सुबह शाम? सुबह शाम लेते हैं, उनको कलडा होता है उनको धूप में सुखाते हैं आधा घंटा, आधा घंटा आधा घंटा सुखा करके फिर उसको पाउडर बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और किस चीज से लेते हैं? सादे पानी से? हाँ नहीं, गुनगुने पानी से। ठीक है, गुनगुने पानी से। हाँ, सुबह लेते हैं। हाँ, हाँ, और सुबह नाश्ते के बाद में? हाँ, हाँ, तो नाश्ते के बाद में और शाम को खाना खाने के बाद में। तो आप देखिए दर्शकों, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, देखिए आधे से ज्यादा ये बॉक्स खाली हो चुका है क्योंकि देखिए लगातार इसका ये सेवन कर रहे हैं और कितना असर इनको दिखा है। हाँ देखिए ढाई महीना हो गया है और ये तीन महीने पूरा बॉक्स चलता है। तो कितने बॉक्स अभी तक आप खा चुके हैं ये बताइए मुझे, कितने खा चुके हैं आठ महीने में? तीन डिब्बे आप खा चुके हैं? अच्छा, बिल्कुल भी लास्ट है मतलब? हाँ, तीसरा डिब्बा। तो बीच में बिल्कुल छोड़ा तो नहीं? हाँ, नहीं कुछ नहीं छोड़ा नहीं आपने? हाँ, रेगुलर कराया आपने इलाज? चलिए लगातार ये और ये कैप्सूल। हाँ हाँ, खाना नाश्ते के बाद में एक दफा लेना दिन में एक दफा। अच्छा, ये हल्दी प्लस? हाँ हल्दी प्लस। अच्छा, ये हल्दी प्लस कैप्सूल खत्म हो गए? ये भी मतलब अभी निकाल के दिखाइए कितने बचे? खत्म हो गए? ये भी दो तीन ही बचे हैं। तो दर्शकों देखिए हल्दी प्लस भी इन्होंने इस्तेमाल किया था, हल्दी प्लस और गौनसिया, ये कैप्सूल बस दो तीन ही बचे हैं। तो आठ महीने से सर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे मुलाकात करके, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं हैं, आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। आपको देख के हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई, शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सर। नमस्ते। तो दर्शकों आप सभी ने अभी हनुमान जी को सुना यहाँ पे, और फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक ले मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।